हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम करेंगे कमोडिटीज की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम। खतरनाक सेगमेंट है मेरा। इस मार्केट में जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो कमोडिटीज से हुआ था, तो मेरा ये समझना है कि आप लोगों ने और हम लोगों ने इन्हें मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा तोड़े हैं लोगों ने, तो वो है कमोडिटीज सेगमेंट। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, ये सब जगह बहुत पैसा तोड़ा लोगों ने। आप और मैं मिल के सब पैसा रिकवर करेंगे वापस, बस कायदे में रहना पड़ेगा। मैं रखूँगा आपको कायदे में और तभी होगी आप सभी फायदे में। कायदे में रहेंगे तो आएगा फायदा। मेरा एक फ्रेंड हमेशा कहता था कि पूछता था मुझसे कि भाई, अगर तेरा वॉलेट दिल्ली में, दिल्ली स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन में घूम जाए या फिर छूट जाए, तो तू उसको बॉम्बे में ढूंढेगा या फिर दिल्ली में ढूंढेगा। तो मैं उसको एक ही बात कहता था, यार ऑब्वियसली बॉम्बे, दिल्ली रेलवे स्टेशन में मिलेगा, वो बॉम्बे कैसे आएगा। मैं भी यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस मार्केट में पैसा खोए हो इसी मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा। दूसरे रेलवे स्टेशन जाके कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन भूल 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 कैसे सकते हैं, दिन रात मेहनत कर करके वो पैसा कमाया, वो इस मार्केट में आपके लोगों का चला गया है। मेरे साथ जुड़ के देखिए, एक एक पाई पाई वापस निकालेंगे। बात करते हैं आज परफॉर्मेंस की। पिछले वीक मैंने अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर नहीं कर पाया था, मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मैं पिछले वीक और इस वीक दोनों का आप लोगों के साथ परफॉर्मेंस शेयर करता हूँ। टोटल कितने कॉल जनरेट किए, टोटल हम लोगों ने 13 कॉल जनरेट किए हैं, जिसमें से सिर्फ 5 के टारगेट हिट हुए हैं और 7 के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे वर्स्ट वीक रहा है मेरा, इसीलिए मैं पोस्टमार्टम करता हूँ अपने परफॉर्मेंस शीट का, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पर हमारा कायदा टूट रहा है। क्योंकि हमको रहना है कायदे में, तब बना पाऊँगा मैं आप सबको फ़ायदे में, तब रख पाऊँगा आप सबको फ़ायदे में। टोटल 7 के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, एक हमारा गोल्ड का कॉल होल्ड पे है। मैं इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर इसमें कंसिडर कर रहा हूँ आपका 1,50,000 रुपये का। 1,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। आप लोगों का एलोकेशन पता है, एक गोल्ड मिनी, एक सिल्वर मिनी, एक क्रूड, एक नेचुरल गैस का मार्जिन हमारे पास होना चाहिए, जो होता है 1,20,000, 1,22,000 रुपये के आसपास। 22-25-28 हज़ार रुपये हम लोगों ने स्पेयर में रखा हुआ है कि कभी हम लोगों को इमरजेंसी में कोई कहीं M2M लग रहा है या फिर कहीं थोड़ा कुशन कुशन मनी होना चाहिए। 1,25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है, 1,50,000 रुपये का कंसिडर किया है। तो टोटल हम लोगों ने 1,50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में इन पिछले 10 दिनों में, फिर 2 वीक में, 9-10 तारीख से 19 तारीख तक हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया है। स्टॉप लॉस 7 स्टॉप लॉस होने के बाद भी आप प्रॉफिट फिगर देखिएगा, 12,750 रुपये। आप लोगों को छोटा लगता है, लेकिन जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे ना हम, यानी कि जब हम कंटिन्यूस काम करते रहेंगे और एक विजन लेके चलेंगे कि भाई 2 साल बाद ये पैसा अनाप शनाप पैसा हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, कछुए की चाल चाल चलेंगे लेकिन लंबा चलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। टोटल ये 1,50,000 रुपए के ऊपर 12,750 रुपये, ये होता है 9%, यानी 9% के आसपास मुनाफा होता है। यानी ROI हमारी निकली है सिर्फ 10 दिनों की 9% के आसपास, विच इज़ क्वाइट गुड। 9% के आसपास की ROI निकली है। 9% को एज यूजल आप कोई सौदा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और इसमें से ये तो ग्रॉस ग्रॉस रिटर्न है। टोटल 12,750 रुपये, 9% होते हैं, 9% रिटर्न होता है हमारा 1,50,000 रुपये पे। 9% में से हम माइनस कर देते हैं 30% टूवर्ड्स एक्सपेंसेस, टैक्सेस, ETC, तो हमारा बचता है 6%। ये है हमारा 10 दिन का नेट ROI। इसमें से भी और कंजर्वेटिव होते हैं हम। मैं हमेशा एक ही प्रोसेस में आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि 30% हम लोग और डिडक्ट कर देते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, कि हम लोगों ने सौदा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कॉल्स कुड नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। तो 3%, 6% का 30% होता है 3%, 3% को हम माइनस कर देते हैं 6% में से, तो बचता है नेट इफेक्टिव ROI, जो हमने से एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ होगा वो बचता है 3%। अगर ये 3% 7 स्टॉप लॉस होने के बाद भी 3% का ROI हमारे पास बच रहा है, 3% का ROI को आप अगर 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है 89%। बॉस देखो,
यानी कि मेरे स्टॉप लॉस वर्सेस टारगेट के रेशो बहुत अच्छे होंगे तभी ये फिगर निकल रहे हैं। बने रहिए है मेरे साथ, एक एक पाई पाई निकाल के लेंगे मार्केट से। 89% का आरओआई ये 10 दिनों में, अगर यही कंसिस्टेंसी मेंटेन रही तो 89% का आरओआई हमारा निकलेगा टोटल ईयर एंड पे। ये परफॉर्मेंस शीट जब मैंने कमोडिटी सेगमेंट चालू किया, मेरे को कुछ 14 दिन ही हुए हैं सिर्फ, सॉरी कमोडिटी सेगमेंट चालू किए हुए मुझे 28 दिन हुए हैं, 28 दिन। अब हम बात करते हैं इन सबको कंसोलिडेट करके कि जब से मैंने 28 दिनों से इंक्लूडिंग हॉलीडेज, 28 दिनों में हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है। 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया है, जिसमें पिछले यानी ये 2 वीक को अगर हम छोड़ दें, उसके पहले के वीक्स बहुत अच्छे थे हमारे, जिसमें हम लोगों ने टोटल कॉल जनरेट किए हैं 32, यानी कि पिछले वीक के सब, पिछले 2 वीक के, यानी आज तक जब से मैंने कमोडिटीज़ की वीडियो चालू की है, ये चालू की करीब 22 नवंबर से, 22 नवंबर से 19 दिसंबर तक हम लोगों ने टोटल 32 कॉल्स एग्जीक्यूट किए हैं। 32 कॉल्स में से 20 कॉल्स के टारगेट हिट हुए हैं और 11 कॉल के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और एक कॉल हमारा होल्ड पे है। टोटल हमारा रिटर्न निकला है 61,900 रुपये का, 61,900 रुपीज़ प्रॉफिट निकाला है हमने 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, जो होता है हमारा 41%। 41% रिटर्न बॉस, किसको बोलते हैं 41% रिटर्न। बैंक एफडी में जाओ, साल भर में 365 दिन में मिलता है 8%, 7.5%, 7% 8%। सीनियर सिटीजन होंगे आप तो 8.5% मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 41% की आरओआई निकाली है। चलिए एज यूजुअल हम इसमें कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 41% ये ग्रॉस था, ग्रॉस है, ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं टैक्सेस 30%, आपका 12% 41% से माइनस हो जाता है, बचता है 29%। 29% में से भी हम वापस से 30% माइनस कर देते हैं कि आप लोगों ने कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं कर पाया होगा, तो उसकी वजह से 29% में से 30% माइनस करते हैं तो आपका इफेक्टिव आरओआई बचता है 17%। अगर हम इसको सेम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं तो आपका आरओआई निकलता है 215%, यानी कि 10 लाख रुपए आप लोगों का हो जाता है 21 लाख रुपए, 1 करोड़ हो जाता है आपका 2.25 करोड़ रुपए, 10,000 आपका हो जाता है 21,500 रुपए साल भर में। ये है मेरी कमोडिटीज की समरी। अब मैं यानी टोटल आप लोगों को कमोडिटीज़ का समझ गया। अब मैं आप लोगों को इसी वीडियो में अपनी इक्विटी की और अपने F&O की और कमोडिटीज़ को कंपाइल करके आपको फिगर बताना चाहूँगा कि अगर हम इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट मैंने इक्विटी की वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने 30% के आसपास का नेट नेट इफेक्टिव आरओआई निकाल रहे हैं, ऑप्शंस से हम लोग 185% का नेट आरओआई निकाल रहे हैं कंजर्वेटिव होने के बाद, यानी कि सब जगह से जितनी भी बैड फैक्टर्स हैं सबको अप्लाई करने के बाद ये आरओआई बच रहा है। 41% का आरओआई आपका, सॉरी ये तो अभी तक का आरओआई, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की है 30% के आसपास हम लोगों ने इक्विटीज से निकाला है, 185% के आसपास हमने ऑप्शन से निकाला है, F&O से निकाला है और 41% के आसपास हमने कमोडिटी से निकाला है। तो 38% की नेट इफेक्टिव आरओआई हम लोगों ने जनरेट की है तीनों सेगमेंट से, यानी कि 38% आरओआई जस्ट इन फ्यू मंथ्स। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। मेरी कॉल परफॉर्मेंस शीट को आप मेरी वेबसाइट से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं पोस्टमार्टम। वहाँ कोई पर्पसली, कोई इंटेंशनली कोई गलती नहीं की है। अगर कोई गलती आप लोगों को मिले तो प्लीज़ मुझे भी अपडेट करिए ताकि मैं उन गलतियों में सुधार कर सकूँ। कोई चिटिंग नहीं, कोई बेईमानी नहीं, अपफ्रंट होकर बात करता हूँ, चेहरा दिखा के बात करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जिन जिन लोगों को लॉस है उन लोगों तक तो ज़रूर पहुँचाइए। उनको बोलिए महीना भर देखें, 2 महीना देखें, 6 महीना देखें, लेकिन अगर बॉस कंसिस्टेंसी दिखी, काम करना स्टार्ट करें, पाई पाई वसूल करेंगे अपन इस मार्केट में, गई मेहनत के पैसे गए हुए।
सबके साथ शेयर करिए। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कर सकते हैं एग्जीक्यूशन मेरी बताई हुई रणनीतियों का। थैंक यू सो मच, हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड एंड हैव ए गुड वीकेंड। जय हिंद, जय भारत।